हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और खूबसूरत दिन की मैं शुरुआत कर रही हूँ। पता नहीं आज का दिन खूबसूरत है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिन को खूब शुरुआत बोल के चलती हूँ ताकि दिन शुभ हो। अभी बज रहे शाम के 4:30 और आज ना हम अभी नहाए हैं क्योंकि मैं और आज मेरी बेटी जो है रिया दोनों मिलके घर की अच्छी तरह से क्लीनिंग करे हैं, क्योंकि कल जो है पर्दे की डंडे वगैरह लगाए हैं। ये देखिए तो काफ़ी धूल मिट्टी घर में हो गया था, तो साफ हमने साफ सफाई करते हुए आप सबको कुछ भी नहीं दिखाया। क्या रोज वही दिखाना। तो आज अच्छी तरह से घर को धोए भी हैं और देखिए एकदम घर नीट एंड क्लीन हो गया है। चादर भी बदल दिए हैं, वैसे चादर पुराने वाले ही लगाए हैं लेकिन बदल दिए थे चादर को भी। और देखिए फोड़े अभी तक ठीक हुए नहीं हैं, तो मैंने यहाँ पे चंदन लगा रखा है। कुछ चंदन से थोड़ी बहुत जो फोड़े में गर्माहट रहती है ना, उसमें ठंडक मिल जाती है, इसलिए इस वजह से मैंने चंदन लगाया है। तो एक बार आप लोगों को मैं अपने बैक कैमरे से अपना घर दिखा रही हूँ। तो देखिए घर क्या ही मेरा खूबसूरत साफ सुथरे हो गए हैं, अच्छे से धोए हैं, पूरा क्लीन करके धोए हैं अभी। तो मंदिर भी साफ करे है, मंदिर अभी फिलहाल यही है, अभी भी नहीं आया है, अभी बाकी है। और देखिए ऊपर सारे रेख हमने सफाई करी है, तो इस तरह से तो ये रेख वगैरह भी हमने अच्छे से सफाई कर दिया। और इसमें ना देखिए मैंने इस तरह से ना ये पन्नी आई थी, जो पर्दे के पाइप में पन्नी आई थी, तो इसको मैंने वेस्ट नहीं करा, इसको मैंने अच्छे से काट के मैं और रिया मिलके इसे बिछाए हैं। और घर को ना इतने अच्छे से क्लीन किया है ना कि आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से सारा फोटो फ्रेम हमने यहाँ पे रख दिया है और ये रिया बनाई है देखिए। और ये चूड़ा है देखिए मेरा, तो इसको भी जगह पे रखना है। और फ्रिज पे हमने कुछ अभी इस तरह से चूड़ी कड़े रखी है, इसको भी रखना है, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि काफी थक भी चुके हैं। और देखिए मेरा क्या नीट एंड क्लीन हो गया। आइए आप लोग एक चीज और दिखाती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बन लाए हैं, क्योंकि ना सुबह से काम करते करते बहुत ज्यादा भूख लग गई है, तो अभी खाएंगे, चाय बन गया है। तो देखिए मैंने एक चीज और दिखा दिया यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे भी सारा काट के ऐसे, एक मिनट लाइट जला रही हूँ। तो आइए दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए मैंने सारे जो डब्बे रखते हैं, इससे पहले मैंने जो है अखबार भी छाया था, तो अखबार ना फट जाते थे बार बार, तो इसको मैंने आज जो है यहाँ पे ये पेपर वगैरह बिछा के अच्छे से सामान लगा दिया है। और बच्चे रख देते हैं ऐसे, सारे सामान मैंने सेट कर दिया है। जितना एक्स्ट्रा जो अन जो कभी कभी इस्तेमाल कभी कभी यूज में आने वाली जो सामान थे, उसको सारा मैंने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि किचन में ना बहुत ज्यादा जगह कंजेस्टेड हो जाती है इस वजह से। और बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं और सब कुछ मैंने क्लीन करा है। तो देखिए मैं और मैंने एक काम और करा है, तो आज इस बार जो है ना मैंने यहीं पे रस्सी बांध दिया, क्योंकि छत पे जाने का कोई मन नहीं करता, बहुत तेज धूप होती है, तो हमने यहीं पर रस्सी बांध दिया ताकि कपड़े सूख जाएंगे। और यहाँ पे भी पर्दे के डंडे लग गए हैं। तो ये सब छोटे मोटे काम हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है जो निपटाना है, तो मुझे लग गई है जो रुकी वो। आइए देखिए आज जो है ना मैं एक पैकेट बन खाने वाली हूँ, बहुत अभी खाने के लिए खाना भी नहीं बचा है। और मेरी बेटी जो है चाय बना के दे रही है, और ये रहा बन, और ये रही मेरी पानी, तो मैं पी लेती हूँ चाय पानी, फिर आप लोग से पी लेती हूँ। इतना सारा काम करने के बाद अब मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ और आराम से बैठ के पहले चाय और ब्रेड खा लेती हूँ। तो ये वाला ब्रेड जो है ना, अगर थोड़ा सा देसी घी लगा के सेक के खाओ ना तो ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन इतनी जोरों की भूख लगी थी ना, सेकने का मन ही नहीं कर रहा था, बस पैकेट खोला और खाने बैठ गया। फिर अब मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं आप लोग से जो है ना सीधा मिलूंगी कल सुबह, क्योंकि मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। तो मेरे ब्लॉग को पूरा देखा कीजिए आप लोग, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली, तो मैं आप लोग से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। लेकिन आप लोग ड्रेस देख के आप लोग सोच रहे होंगे ना, नेक्स्ट डे नहीं है, ये नेक्स्ट डे ही है, आज मेरा कोई काम नहीं है। तो मैं सुबह सुबह ही बैठ गई हूँ अपने किचन में पर्दे लगाने के लिए, तो मैंने देखिए यहाँ पे एक पर्दे लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, मेरे सपनों के किचन मैंने अपने पसंद से बनवाया है, मैं ये अपनी किचन देख के बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। हाँ, नॉन मॉड्यूलर है ये मैं मानती हूँ, क्योंकि एक मिडिल क्लास के लिए इतने पैसे नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी जो है जैसा है बहुत अच्छा है, तो मैंने पर्दा लगा दिया। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने किचन में इस तरह से पर्दा लगा दिया है,
इधर पिंक, ऐसे मैंने तीन कलर का पर्दा मैंने लगाया है इस पे, येलो है, गोल्डन वाली येलो है, और बीच में पिंक है, और ये है। तो कैसा लगा आप लोग का मेरा किचन का लुक आप लोग ज़रूर बताना। नन मॉडुलर किचन है लेकिन बहुत ही मैंने प्यारा सजाया है, तो आप लोग एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।